का जब आगमन हो जाएगा तो उसके पहले तो हम फिल्म दिखा रहे हैं सभी दर्शकों को, सो दैट सब बैठे रहेंगे, और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद उनका रिसेप्शन होगा हमारे स्कूल बैंड का, जो विश्व जो जो देश में विख्यात है, कर्तव्य पथ पर मार्च करता है। उसके बाद वो सब हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर से रिसेप्शन होगा, उसके बाद हमारे प्रीफेक्ट से मिलेंगे वो, फिर हमारे सौंसा ग्राम के जो दो ग्रामीण हैं उनसे मिलेंगे, और हमारे स्कूल के सबसे जो बुज़ुर्ग हमारे सहयोगी हैं उनसे मिलेंगे, और कुछ बच्चे जिन्होंने अपना प्रोडक्ट्स वहाँ रखा है, वुड वर्क है, स्टोन वर्क है, पेपर मैशे है, वो वहाँ पर उन्हें रखा हुआ है, उनसे भी शायद वो वार्तालाप ज़रूर करेंगे। इसके बाद वो एक के में जाएंगे जहाँ पर 6 एग्जिबिट्स रखे हुए हैं जिसको बच्चे बताएंगे और बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे। वेलकम किस तरह से किया, क्या कुछ नया है? वेलकम सबसे पहले घुड़सवार होंगे उनके आगे, उनके अंतराज के आगे, और घुड़सवार उनको यहाँ तक लाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही घुड़सवार आगे निकल जाएंगे तो स्कूल बैंड उनका वेलकम करेगा, यहाँ पर वो एक मिनट के लिए स्कूल बैंड को देखेंगे। सुना है प्रधानमंत्री जी का व्रत है, तो कुछ उनके लिए व्रत सुना है हमने भी कि फलाहार पर हैं, तो हम टच में हैं कि उनका क्या होगा, हमने सारी तैयारी कर रखी है अपनी तरफ से। यहाँ संदेश जरूर देंगे वो, शिक्षा कैसे, शिक्षा और खेलकूद और सबको हम कैसे और अच्छा बनाएं, स्कूल को देख करके जब वो स्वयं देखेंगे कि हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्लाइमेट के में प्रयास कर रहे हैं, तो वो ज़रूर ज़रूर बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे और इसको बताएंगे। वो एक पिलखन पौधा लगाएंगे और हम उनको अंजन पौधा दे रहे हैं। ओल्ड बॉयज़ में प्रमुख लोग कौन कौन आ रहे हैं? ओल्ड बॉयज़ में कई प्रमुख लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे अंकन बनर्जी हैं जो एम्बेसडर हैं मोजाम्बिक के, फिर हमारे बहुत बुज़ुर्ग जो मिस्टर मल्होत्रा हैं दिल्ली से, वो आ रहे हैं। 94 ईयर्स के एक मिस्टर सरदाना हैं, वो कलकत्ता से आ रहे हैं, जो आज भी गोल्फ खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं। सेलिब्रिटीज़ में अमित बंधु आ रहे हैं, नितिन मुकेश आ रहे हैं, तो ये सारे लोग आ रहे हैं। और अमीन सयानी जी हैं जो अभी अपने हेल्थ के चलते नहीं आ पा रहे, उन्होंने मैसेज भेजा है, बहुत सुंदर मैसेज। सर, इससे पहले कौन कौन से पीएम यहाँ आ चुके हैं? सिटिंग पीएम नहीं आ चुके हैं जो मैं कहता हूँ, लेकिन पीएम नहीं रहते हुए जो शख्सियत थे, जो पीएम थे बाद में या पहले, वो आ चुके हैं।